मथुरा जनपद के कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत शालीमार क्षेत्र में फरीदाबाद के एक युवक और उसके साथ महिला पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक प्रीति पाल महिला को उसके पति ने ही 1,00,000 रुपए की सुपारी देकर दो अन्य बदमाशों को मैनेज करके तथाकथित घटना को अंजाम दिया था। मथुरा से हमारे संवाददाता ओमवीर सारस्वत की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में 19 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे एक फायरिंग के इंसिडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रीति पाल नामक महिला की मृत्यु हो गई थी और उनके पति सुनील घायल हुए थे। सुनील द्वारा इस पूरी घटना के बारे में बताया गया था कि अज्ञात बदमाशों द्वारा जो कि मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके द्वारा उनकी पत्नी के ऊपर और उनके ऊपर फायर किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने भी वहां से अहम जानकारियां जुटाई थी। मृतक महिला के परिजनों से भी जानकारियां प्राप्त हुई और पोस्टमार्टम से जो फाइंडिंग्स प्राप्त हुई थी उन सभी में और सुनील द्वारा बताई गई बातों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इस घटना के बारे में जब सुनील से कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये बात सामने निकल के आई है कि सुनील का अपनी पत्नी प्रीति पाल से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और काफ़ी दिनों से सुनील का एक बार की महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी हो गया था। इसी कारण से वो प्रीति को अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसके द्वारा दो अन्य व्यक्तियों को 1,00,000 रुपए की धनराशि देकर के हायर किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को के द्वारा और सुनील के द्वारा मौका पाते ही कोकिला वन मंदिर से वापस आते हुए गाड़ी में अपनी पत्नी के ऊपर फायर किया गया, जिसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से फरार हो गए। सुनील के द्वारा घटना को अन्य रूप देने के लिए अपने ऊपर भी तथाकथित फायरिंग करवाई गई थी। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए सुनील द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। दो अन्य शूटरों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही हैं। बहुत जल्द उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा।